नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। बहुत से माता पिता हमसे सवाल करते हैं कि मैम आप हमें यह बताइए कि क्या केंद्रीय विद्यालय में सिबलिंग कैटेगरी होती है या नहीं। अगर हमारे ऑलरेडी बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो क्या बताइए हमारे छोटे बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी या नहीं। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम आपको दें आप ही के सवाल का जवाब। जैसे कि हमें केंद्रीय विद्यालय संघ की गाइडलाइंस पढ़कर जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय में किसी भी प्रकार की सिबलिंग कैटेगरी नहीं है। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संघ किसी भी प्रकार से सिबलिंग कैटेगरी को बढ़ावा नहीं देता। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उनके छोटे भाई बहनों को केंद्रीय विद्यालय दाखिले में प्राथमिकता नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है उनका दाखिला भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से बाकी बच्चों का दाखिला होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में पूरे भारतवर्ष में कोई भी माता पिता यदि अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं तो उन्हें फॉर्म भरने की स्वतंत्रता है। यदि आपने फॉर्म को ढंग से भरा है, उसमें दी गई जानकारी सही है, सही कागजात साथ जोड़े हैं और फॉर्म को आखिरी तारीख से पहले जमा करवा दिया है तो केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चों के दाखिले की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि आपके बड़े बच्चे ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं और छोटे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन केंद्रीय विद्यालय संघ की गाइडलाइंस में नहीं दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ होगा। तो अगली बार फिर मिलते हैं और बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय दाखिले से संबंधित किसी अन्य विषय पर, ताकि माता पिता के तौर पर केंद्रीय विद्यालय दाखिला की प्रक्रिया आपके लिए थोड़ी सरल हो सके। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।